हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LS अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो डिस्कस इन न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हैज़ ए कंट्रोल मेमोरी ऑफ 1024 वर्ड्स ऑफ 32 बिट ईच। एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल मेमोरी है जिसमें कि 1024 वर्ड्स हैं और हर वर्ड की जो विड्थ है वो कितनी है, 32 बिट है। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल मेमोरी का एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें आपको लिखा हुआ है कि 1024 वर्ड्स हैं और हर वर्ड की जो विड्थ है वो कितनी है, 32 बिट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कंट्रोल मेमोरी हमारी किस लिए यूज़ की जाती है, टू स्टोर द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द माइक्रो इंस्ट्रक्शन हैज़ 3 फील्ड्स। जो भी ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर उसमें 3 फील्ड्स हैं। द माइक्रो ऑपरेशन फील्ड हैज़ 16 बिट। उनमें से एक फील्ड के बारे में बता रखा है कि वो माइक्रो ऑपरेशन फील्ड है और इसमें कितनी आपकी बिट्स हैं, 16 उसमें बिट्स हैं। नाउ जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द ब्रांच एड्रेस फील्ड एंड द सेलेक्ट फील्ड। ब्रांच एड्रेस फील्ड में और सेलेक्ट फील्ड में कितनी बिट्स हैं। सेकंड पूछा गया इफ़ देर आर 16 स्टेटस बिट्स इन द सिस्टम। अगर सिस्टम में 16 स्टेटस बिट्स हैं देन हाउ मैनी बिट्स ऑफ द ब्रांच लॉजिक आर यूज टू सेलेक्ट ए स्टेटस बिट्स। तो ब्रांच लॉजिक की कितनी बिट यूज़ की गई हैं स्टेटस बिट को सेलेक्ट करने के लिए। एंड द थर्ड पार्ट इज हाउ मैनी बिट्स आर लेफ्ट टू सेलेक्ट एन इनपुट फॉर द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को सेलेक्ट करने के लिए कितनी बिट लेफ्ट की गई। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स इसमें पूछे गए हैं, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमें इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कंट्रोल मेमोरी में 1024 वर्ड्स हैं और हर वर्ड 32 बिट का है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए कंट्रोल मेमोरी का साइज 1024 वर्ड्स है और हर वर्ड 32 बिट का है। अगर कंट्रोल मेमोरी में 1024 वर्ड्स हैं इसका मतलब 1024 इसमें लोकेशंस हैं, क्योंकि हर लोकेशन में एक वर्ड आपका स्टोर्ड है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1024 इंटू 32, यानी कि 1024 वर्ड्स या 1024 लोकेशंस या 1024 एड्रेसेस, और हर एड्रेस में जो वर्ड स्टोर है वो कितने बिट का है, 32 बिट का है। यानी जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है भाई, हर वर्ड कौन सा स्टोर्ड है इसमें, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, यानी हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन की विड्थ कितनी है, 32 बिट है। ठीक है, तो इसको जो 1024 आपकी जो मेमोरी वर्ड्स हैं या मेमोरी लोकेशंस हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 में हमने इसलिए लिखा कि हमें एड्रेस निकालना है कि कंट्रोल मेमोरी में हर एड्रेस कितने बिट का है, और उसको निकालने के लिए हमें इसको 2 की पावर में लिखना पड़ेगा। तो इसको हमने 2 की पावर 10 लिख लिया और जो आपकी हर वर्ड की विड्थ है उसको एज इट इज़ रहने दिया। तो हमारी नंबर ऑफ एड्रेस बिट कितनी निकल आई, 2 की पावर 10 है, तो 10 बिट्स आपकी एड्रेस बिट्स आ गई। यानी हर लोकेशन के एड्रेस कितने बिट का है, 10 बिट का है। ठीक है, तो एड्रेस का तो हमें पता लग गया कि हर एड्रेस कितने बिट का है, 10 बिट का है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है इसने हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द ब्रांच एड्रेस फील्ड। ब्रांच एड्रेस फील्ड में कितनी बिट्स हैं, तो ब्रांच एड्रेस फील्ड की जो बिट्स हैं वो कितनी निकल आई आपकी, 10 बिट्स निकल आई। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या पूछ रहा है वो, एंड द सेलेक्ट फील्ड, सेलेक्ट फील्ड में कितनी है। ठीक है, तो ब्रांच एड्रेस फील्ड में हमें पता लग गया क्योंकि हमने नंबर ऑफ एड्रेस बिट निकाल ली, लेकिन सेलेक्ट फील्ड में कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं अब। तो इसने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। इसने बताया था शुरुआत में कि माइक्रो ऑपरेशन फील्ड में 16 बिट हैं। ठीक है, ब्रांच एड्रेस फील्ड में हमने अभी निकाला ये 10 बिट, सेलेक्ट फील्ड में ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी माइक्रो इंस्ट्रक्शन के 3 फील्ड्स हैं, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन हैं उसके 3 फील्ड के बारे में इसने बता दिया। एक तो माइक्रो ऑपरेशन फील्ड, ये वाला माइक्रो ऑपरेशन फील्ड, दूसरा ब्रांच एड्रेस फील्ड, ये रहा ब्रांच एड्रेस फील्ड, और तीसरा सेलेक्ट फील्ड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये सारे फील्ड किसके अंदर आते हैं, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसने डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेकर इनडायरेक्टली उसके बारे में बताया है। माइक्रो ऑपरेशन फील्ड के बारे में उसने बताया कि ये 16 बिट का है, यानी ये 16 बिट का है। ठीक है, ब्रांच एड्रेस फील्ड अभी हमने निकाला था भाई, जितने बिट का एड्रेस होगा उतनी ब्रांच एड्रेस फील्ड में बिट्स होंगी, तो वो कितनी आ गई आपके, 10 बिट्स। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन की विड्थ है हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन वो कितनी है, 32 बिट है। तो ये आपका जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है टोटल, इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ होगी 32 बिट्स। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि सिलेक्ट फील्ड की विड्थ कितनी है, क्योंकि 16 ये हो गया, 10 ये हो गया और टोटल कितना है 32। तो जो आपका सेलेक्ट फील्ड है ये वाला, इसकी विड्थ कितनी आ गई, 32 माइनस 16 प्लस 10 दैट इज 6 बिट्स। यानी सेलेक्ट फील्ड कितने बिट्स का आ गया आपका, 6 बिट्स का आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि ब्रांच एड्रेस फील्ड कितने का हो गया, 10 बिट का, और सेलेक्ट फील्ड कितने का हो गया आपका, 6 बिट का। नाउ द नेक्स्ट इज इफ देर आर 16 स्टेटस बिट्स इन द सिस्टम, अगर सिस्टम में टोटल 16 स्टेटस हैं, देन हाउ मेनी बिट्स ऑफ द ब्रांच लॉजिक आर यूज टू सेलेक्ट स्टेटस बिट। तो ये जो ब्रांच आपका लॉजिक है, ब्रांच लॉजिक किसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है। ठीक है, जो सेलेक्ट करता है स्टेटस बिट्स को, तो वो कह रहा है कि कितनी बिट्स ब्रांच लॉजिक की यूज की गई स्टेटस बिट को सेलेक्ट करने के लिए। टोटल सेलेक्ट करने के लिए कितनी बिट्स हैं आपकी, 6 बिट्स हैं ब्रांच लॉजिक में। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है इनमें से कितनी बिट आपकी यूज की गई स्टेटस बिट को सेलेक्ट करने के लिए, तो वो हमें पता लगेगा इससे कि टोटल कितने स्टेटस हैं डिफरेंट। टोटल हमारे पास 16 स्टेटस हैं, अगर 16 डिफरेंट स्टेटस हैं तो उनके लिए हमें कितनी बिट चाहिए। 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। यानी हमें कितनी बिट चाहिए, अगर 16 स्टेटस हैं तो उनके लिए कितनी डिफरेंट डिफरेंट बिट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमें, 4 बिट्स का। तो जो आउट ऑफ 6 बिट्स हैं सेलेक्ट की, उनमें से कितनी बिट्स यूज की जाएंगी, 4 बिट्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट 16 स्टेटस बिट्स। अगर यही पर होता 8 स्टेटस बिट, अगर यहाँ पर 8 होता तो 2 की पावर 3 8, यानी कि 3 बिट यूज की जाती। अगर यहीं पर 32 स्टेटस बिट होती तो हम कितनी बिट यूज करते, 32 का मतलब क्या होता, 2 की पावर 5, तो 5 बिट यूज की आती। लेकिन क्योंकि इन्होंने 16 दे रखा है तो हमारी कितनी बिट यूज की गई, हमारी 4 स्टेटस बिट यूज की गई सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट पार्ट जो सी पार्ट है, सी पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी बिट्स आर लेफ्ट टू सेलेक्ट एन इनपुट फॉर द मल्टीप्लेक्सर। अब वो कह रहा है कि जो माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में मल्टीप्लेक्सर को सेलेक्ट करने के लिए कितनी बिट छूटी गई, तो टोटल 6 बिट थी सिलेक्शन के लिए, 4 बिट आपने किस में यूज कर ली, स्टेटस बिट को सेलेक्ट करने के लिए। तो टोटल कितनी बिट लेफ्ट हुई जो मल्टीप्लेक्सर को सेलेक्ट करेंगी, तो वो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लेक्सर को सेलेक्ट करने के लिए कितनी बिट्स होंगी, टोटल आपकी 6 बिट्स हैं, 4 आपने यहां पर यूज कर ली स्टेटस बिट के लिए, तो रिमेनिंग बिट्स कितनी बची, 2 बिट्स। तो 2 बिट आपके किसके लिए यूज होंगी, 2 बिट्स आपकी यूज होंगी टू सेलेक्ट एन इनपुट फॉर द मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि टोटल 6 है, 4 आपने स्टेटस के लिए यूज कर ली, तो रिमेनिंग 2 आपको क्या सेलेक्ट करके देंगी, मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करके देंगी। आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।